ओ हाय गाइस, कैसे हो? हाई सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक। फाइनली गाइस आ चुके हैं बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन की मैदान के एक और एपिसोड में वापस। तो गाइस एडवांस बुकिंग का अब तक का हमारा ये थर्ड एपिसोड है भाई। देखेंगे शाम से लेके अभी तक कितने शोज इंक्रीज हुए हैं एंड नंबर्स भाई हमें कितना बड़ा जंप है वो देखने को मिला है। और क्या स्पीड, अभी भी स्लो ही चल रही है जो स्टार्टिंग से थी। अभी तो मेकर्स ने ऑफिशियली भी कन्फर्म कर दिया, अब भी तो शोज भी हमें अच्छे खासे इंक्रीज है वो देखने को मिले हैं एंड अभी भी स्पीड स्लो ही चलेगी जैसे कि स्टार्टिंग से थी, तो फिर मेरे भाई मुश्किलें आ सकती हैं। बट एक्चुअल में ऐसा है या फिर नहीं, तो बात करते हैं इसके आगे। उससे पहले आपको क्या करना है, डे वाइज एडवांस बुकिंग हो, डे वाइज क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो कर क्या रहो भाई, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह अपडेट्स वीडियोज के लिए। देखो अभी अजय देवगन लास्ट अपनी पिक्चर शैतान एक बड़ी सुपरहिट देके आए हैं, तो मैदान से भी हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो उम्मीद भी करते हैं कि उम्मीदों से यहाँ पे खरे भी उतरेंगे मैदान अजय देवगन। तो सबसे पहले गाइस शोज़ काउंट देखते हैं किस तरह भाई इंक्रीज़ है वो देखने को मिली है शाम से लेके अभी तक। सबसे पहले दिल्ली NCR 259 शोज़ थे शाम को, एज ऑफ नाउ 353। अच्छे खासे भाई शोज इंक्रीज़ हुए, ऑलमोस्ट 100 से थोड़े से ही कम है। इतना तो हमें उम्मीद भी थी, मैंने बताया था भाई दिल्ली NCR में 500 के आसपास एटलीस्ट शोज़ काउंट है वो जाने चाहिए 500 के आसपास, एंड अभी भी 350 के आसपास शोज मेरे भाई हो ही चुके हैं। तो ये 500 प्लस तो मेरे को लगता है कि भाई इजीली जाएंगे। एंड मुंबई में 246 एज ऑफ नाउ 259 शोज़ हैं। ये तो मैंने आपसे को स्टार्टिंग से ही बताया था, मेरे ख्याल में तब एडवांस भी ओपन नहीं हुआ था कि मुंबई में थोड़े कम शोज़ होंगे कंपैरिजन टू दिल्ली NCR। क्यों, क्या रीज़न है? देखो भाई कई सारे मूवीज़ आ रही हैं एंड दिल्ली NCR में भाई उनका दब नहीं लगेगा, बट मुंबई में तो यार वो तो अपनी सिटी है, जहाँ पे तो भाई हर एक लैंग्वेज की मूवी आ रही है, चाहे फिर वो हिंदी में ना भी आए, एग्जांपल के लिए वो तमिल हो या फिर तेलुगु हो, कन्नड़ लैंग्वेज हो, बट उसके दब वजन आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे। तो यही एक रीज़न है कि भाई मैदान को तो यहाँ पे थोड़े से भाई कम शोज़ मिल सकते हैं। एंड पुणे में 50 एज ऑफ नाउ 87 शोज है, यहाँ पे भी अच्छे खासे शोज इंक्रीज है वो देखने को मिले हैं। हैदराबाद में 10 भाई, हैदराबाद में शोज इंक्रीज नहीं हो रहे हैं एंड अभी भी मेकर्स क्या कर रहे हैं भाई, अब भी नहीं करोगे शोज बढ़ाओगे नहीं तो भाई कब इंक्रीज हमें देखने को मिले और कब जाके पब्लिक भाई एडवांस है वो करेगी। अहमदाबाद में 141 एज ऑफ नाउ 159 शोज हैं, चलो 15-20 शोज यहाँ पे इंक्रीज हो गए। जयपुर में 60 एज ऑफ नाउ 64 है, 4 शोज इंक्रीज हुए शाम से लेके अभी तक। कोलकाता 66 एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 77 शोज है, चलो यहाँ पे भी 10 शोज इंक्रीज हो गए। चंडीगढ़ में 49 एज ऑफ नाउ 57 है, चलो 7-8 शोज यहाँ पे भी। लखनऊ 61 और अभी भी 61 नहीं है, यहाँ पे कोई भी शोज इंक्रीज नहीं हुआ है शाम से लेके अभी तक। भोपाल 31 अभी भी 31 है। नागपुर में 29 अभी 39 हो चुके हैं, 10 शोज बढ़े हैं। एंड रायपुर में 14 अभी 16 2, रांची में 14 सिमिलरिटी, चेन्नई में 4 और अभी 20 हो चुके हैं। चलो चेन्नई में शोज इंक्रीज हुए, बट देखो जिस तरह हम देखते हैं ना हिंदी मूवीज जो उनका हिंदी ओरिजिनल रहता है चेन्नई में भाई काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बट अभी कोई शो मेरे को भरा भरा नहीं दिख रहा है। देखते हैं गाइस अभी क्या होता है, ये तो अभी शोज इंक्रीज हुए हैं, अभी मैंने सुबह देखा था चेन्नई में केवल 4 ही शोज थे, चलो अभी 20 हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट जोधपुर में 13 एज ऑफ नाउ 16 है और आनंद में सेम ही है 14-15 शो है, जो कि पटना में ऑलमोस्ट 15 शोज हैं, शाम को 13 थे, और बेंगलुरु में 42 शाम को थे, अभी 49 हो चुके हैं, 5-6 शोज यहाँ पे भी बढ़े हैं। ये कुछ भाई शोज़ काउंट का नज़ारा है अब तक का। तो अच्छे खासे शोज़ मिल चुके हैं, अभी धीरे धीरे शोज इंक्रीज़ होंगे। अभी कल दोपहर के टाइम 2-3 बजे मेकर्स ने ऑफिशियली किया था एंड अभी 24 आवर्स भी नहीं हुए। एंड IMAX मुंबई में 12 शोज़ हैं, पुणे में 4 शोज़ हैं, बेंगलुरु में 4 शोज़ हैं एंड टोटल ऑफ 20 शोज़ है IMAX के भी, अभी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड एंड कहीं ना कहीं 132 टिकट सिर्फ IMAX के मेरे भाई बिके हैं, सोल्ड आउट हुए 132 के आसपास टिकट्स हैं। टोटल ऑफ नंबर्स गाइस 17.14 लाख के आसपास है और 2500 शोज़ हैं पूरे भारत में। एंड शाम को 2000 शो से 500 शो यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं और एडवांस में कोई ज़्यादा जंप नहीं है, शाम को ऑलमोस्ट 15 लाख था और अभी 2 लाख और ज़्यादा इंक्रीज़ है वो देखने को मिला है। तो एडवांस की स्पीड मेरे भाई अभी भी स्लो ही है जो इससे पहले थी, शोज़ बढ़े हैं बट स्पीड अभी हमें इंक्रीज़ है वो देखने को नहीं मिली है। बट मेकर्स ने कल दोपहर के टाइम ऑफिशियली किया था, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमें अच्छा आसा जंप है वो देखने को मिले। और कहीं ना कहीं जब हम शाम को डिस्कशन कर रहे होंगे तो ये मामला 50 लाख प्लस तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए,
जी हाँ मेरे भाई, 50 लाख प्लस यहाँ पे 100 नहीं, हमें 200% जंप है वो चाहिए शाम तक। हाँ एक बात और भी है, देखो गाइस ये उस टाइप की पिक्चर नहीं है कि फैमिली इंटरटेनर हो गया या फिर यार दोस्तों वाली, तो यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ पर ये पिक्चर है गाइस वो डिपेंड रहेगी, और साथ में किस तरह रिव्यूज़ निकल के सामने आएंगे, अच्छे रिव्यूज़ आए, अगले दिन शायद ईद भी है तो शाम की ऑक्युपेंसी नाइट की ऑक्युपेंसी हमें बड़ा जंप है वो देखने को मिल सकता है। एंड पहले दिन एडवांस थोड़ा कम ही रहेगा क्योंकि गाइस हम कम ही पकड़ कर पैसे भी जा ही रहे हैं, और फिर भी 2 करोड़ के आसपास तो एटलीस्ट उम्मीद तो करते हैं, यहाँ तक तो कम से कम जाना ही चाहिए। 2 करोड़ के आसपास एडवांस जाता है तब भी गाइस डबल डिजिट शायद ओपनिंग है वो ना ले पाए, बट अभी कहना मुश्किल है कि एडवांस बुकिंग फाइनल कहाँ तक जा पाएगी। स्टार्टिंग से भाई शैतान का भी काफ़ी स्लोली स्पीड दिख रही थी, बट फिर हमने सडनली देखा अच्छा सा जंप है वो देखने को मिला, तो मे बी यहाँ पे कुछ ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। एंड अभी जो गाइस सिचुएशन दिख रही है मैदान की, तो यहाँ से भाई 10 करोड़ के आसपास ओपनिंग आ जाए तो भाई ये तो सोने में सुहागा है पिक्चर के लिए। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले जो बचे हुए 2-2.5 दिन ही है भाई, 3 भी कहाँ बचे हैं एडवांस बुकिंग के। बाकी डे वाइज एडवांस बुकिंग और डे वाइज क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए।